हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेस में। मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक्ट फाइबर नेट के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था जियो फाइबर के बारे में और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में भी जो है मैंने रिव्यू दिया था। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और ऊपर आई वाले बटन पे भी मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियोस को। इस वीडियो को देखने बाद अगर आप एक्ट फाइबर नेट लगाना चाहते हैं तो उसके क्या प्लान है, इंस्टॉलेशन किस तरह से करती है, सर्विस कैसी है और इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने पर कैसा है और एक्चुअल में कैसा है, सब कुछ जो है मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले और ऑल वाले ऑप्शन को जरूर से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर एक्ट फाइबर नेट की बात करें तो इसमें जो है तीन हमें प्लान देखने को मिलते हैं और जैसे कि यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ये है उनका एक कैटलॉग मुझे दिया गया है और मैं एक्ट फाइबर नेट ही यूज कर रहा हूँ अभी। हालांकि पहले जियो यूज करता था मैं, लेकिन इस एरिया में अभी जहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ मैं, इस एरिया में जियो अवेलेबल नहीं है और एयरटेल वालों ने तो भैया पैसे लेकर साफ साफ मना कर दिया कि हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे और उसके बाद पैसे उनसे रिफंड मुझे मिले 14-15 दिन के बाद। उसके ऊपर वीडियो बनाई है, देख लेना आप, उनका घटिया सर्विस है एयरटेल की और जियो बेहतर है, अच्छी। और इसके बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो एक्ट फाइबर नेट जो है दोस्तों 19 सिटीज में वर्क कर रहा है। इसका नेटवर्क जो है 19 शहरों में जो है इसका नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है ये नेटवर्क। और आपको देखा जाए तो दिल्ली है, लखनऊ है, बेंगलोर है, चेन्नई है और इनका नेटवर्क जो है साउथ जोन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे ही ये करते करते नॉर्थ और ईस्ट में भी आ जाएंगे। दिल्ली में ऑलरेडी चल रहा है, लखनऊ में भी है और 19 सिटीज में ये वर्क कर रहे हैं, ऑलरेडी इनका नेटवर्क चल रहा है। तो इनके यूजुअली तीन ही प्लान होते हैं। प्लान है दोस्तों तीन तरह के होते हैं। एक तो एक्ट सिल्वर होता है जो कि 60 Mbps में आपको 1500 GB का लिमिट मिलता है और ये प्राइस जो है आपको 574 rupees का है। और एक्ट गोल्ड है, ये दूसरा प्लान है, ये जो है 125 Mbps की स्पीड पे आपको मिलता है। इसका कास्ट जो है 749 rupees है और ये अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब देखिए किसी भी नेटवर्क में अगर अनलिमिटेड लिखा हुआ है तो समझ जाना कि 3300 GB जो है आपको दिया जाएगा कैपिंग। उसको अगर उतना डेटा आप यूज कर लेते हैं, लगभग कोई भी 99% यूज नहीं करता है। अगर आप एक कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हो और आपके पास 10-15 एम्प्लॉइज है तब जाके आपका इंटरनेट इस तरह से खत्म होगा। अगर नहीं है, आप सिंगल बंदे हो या फैमिली या घर के लिए चला रहे हो तो आप कभी भी देखिए आपको इतना डेटा की जरूरत ही नहीं है। 3300 GB बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप स्ट्रीम कर लो, आप डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, 3300 GB का इंटरनेट आप खत्म नहीं कर पाओगे। तो सेकंड वाला प्लान जो है एक्ट गोल्ड है, 125 Mbps का स्पीड से जो कि 749 rupees है, वही जो है कनेक्शन मैंने ले रखा है, यही प्लान जो है मेरे कनेक्शन पे चल रहा है फिलहाल एक्ट फाइबर नेट ही। तो तीसरा जो है लास्ट वाला है, ये तीसरा एक्ट डायमंड और इसका जो स्पीड आपको मिलेगा 150 Mbps का और इसका कास्ट जो है दोस्तों 1099 rupees और ये भी 3300 GB अनलिमिटेड बोल के दिखाते हैं लेकिन इतनी जीबी का ये मिलता है। और अगर आप इसमें कनेक्शन बुक करना चाहते हैं तो मैं आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके कनेक्शन को बुक करेंगे तो आपके एरिया में है या नहीं है एक्ट फाइबर नेट की तरफ से जो है एक कॉल आएगा और उसके बाद आप घर के पास एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा और वो आके चेक करेगा कि आपके एरिया में जो है कनेक्शन दे सकते हैं या नहीं है। अगर दे सकते हैं तो वो कनेक्शन जो है एक ही दिन में प्रोवाइड करा देते हैं। दोस्तों पहले इनकी फीस बननी पड़ेगी, जितना इनका जो है प्लान्स कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप एक महीने का लगाते हो तो 1000 rupees इंस्टॉलेशन चार्जेस लेते हैं और वाईफाई राउटर आप उसके लिए आपको खुद से पैसे पे करना पड़ेगा या फिर आपके पास राउटर है तो आप लगा सकते हैं, ये फ्री में नहीं देंगे। अगर 3 महीने का प्लान भी ले लो तब भी जो है 3 महीने के प्लान के साथ आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री मिलेंगे लेकिन वाईफाई राउटर नहीं मिलता है। अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 6 महीने के साथ 1 महीने का प्लान फ्री आता है और वाईफाई राउटर फ्री और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी फ्री होते हैं, लेकिन 6 महीने का प्लान के साथ आपको लेना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस किस तरह से हुई। यह सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो है मुझे ऑलरेडी मैं जब शॉप लगा के रखा था तो यहाँ पे एक्ट फाइबर नेट वाले बहुत सारे कनेक्शन देने वाले फिरते रहते थे, हर दुकान में इनका पाम्पलेट होता है, तो उसी तरह से मुझे भी जो है यहाँ इनका एक कैटलॉग पाम्पलेट मिला है और इसके थ्रू जो है मैंने इसको फोन किया तो ये बंदा जो है इसे
एरिया वाले का नंबर मुझे दे दिया, तो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, तो वो जो है तुरंत ही आता है और आने के बाद मुझे मेरे पास से एक आधार कार्ड जो है फोटो मांगता है, आधार कार्ड की फोटो लेकर ऑनलाइन के थ्रू डिजिटल पेमेंट करने को कहता है और मैं डिजिटल पेमेंट कर देता हूँ यूपीआई के थ्रू। तो 6 महीने के लिए जो है मैंने 5,000 प्लस चार्जेस किए थे, जितने भी प्लान्स मैंने इसके प्राइजेस बताए वो जो है एक्सक्लूड GST था, इसमें GST एडिशनल लगता है, तो इस हिसाब से मुझे 6 महीने का उन्होंने पेमेंट मांगा, तो 6 महीने का पेमेंट मैंने कर दिया और कनेक्शन ले लिया जो है 125 Mbps का सेकंड वाला प्लान है मेरा, तो अच्छा खासा चल रहा है। 120 Mbps का अगर मैं स्पीड टेस्ट करूँगा तो मुझे जो है डाउनलोड में जो है 145 और 150 स्पीड मिलता है और अपलोड में जो है 150-160 का स्पीड जो है मुझे देखने को मिलता है। और देखिए पहले जियो यूज़ करता था मैं, जियो में क्या है ना बेनिफिट हमें, वहाँ पे आपको जियो में जितने प्राइजेस मैं इसमें दे रहा हूँ ना 749 125 Mbps स्पीड का, जियो में 699 और 200 एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दूँ मैं, यानी कि लगभग ये भी उतना ही होता है, 850 रुपये तक इसका GST मिला के होता है और वहाँ मुझे 1,000 रुपये या 1,050 रुपये तक जियो का लगता था। उसमें OTT ऐप्स और जियो का जो बॉक्स होता है सेटअप बॉक्स, उसमें हमें क्या है सारे चैनल्स देखने को मिलते थे, तो वो फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें सेटअप बॉक्स वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्ट फाइबर नेट वाले जो है आपके TV के लिए भी डिश प्रोवाइड करा देंगे, इसके लिए एडिशनल 200 या 250 रुपीस लगता है, उसको आप ले सकते हो चाहे तो। इनके सेटअप बॉक्स के साथ जो है वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, और डिजिटली आपका एक LED TV है तो आप उसमें जो है सारे डिजिटल कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, तो सेटअप बॉक्स के लिए एडिशनल पे करना पड़ेगा और इनका डिश सर्विस के लिए जो है हर महीना 200 या 250 रुपये अलग से चार्ज होता है दोस्तों। तो ये इनके प्लान्स है और इंस्टॉलेशन किस तरह से हुआ देखिए, पहले तो मैंने पैसे बंद दिए, उसके बाद फिर दो लोग आते हैं यहाँ कनेक्शन देखते हैं आजू बाजू में, तो उनका बॉक्स होता है तो इजीली मुझे 1 घंटे के अंदर कनेक्शन मिल जाता है और एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज मुझे उनको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंस्टॉलेशन करने के बाद कुछ लोग पूछते हैं एक्स्ट्रा पैसे मांग करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कनेक्शन लगाया और चले गए। देखो अच्छी सर्विस यहाँ मुझे मिली है, ऐसा ही नहीं होता हर जगह, कुछ जगह होते हैं ये सभी ना कंपनी वालों की खराबी नहीं है, जो बंदे काम करने आते हैं ना उन लोगों की खराबी है, इनको सुधार करने में कंपनी को क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कंपनियां बहुत सारे कुछ करती नहीं। जैसे एयरटेल के बारे में मैंने बताया, एयरटेल कनेक्शन लगाने आए और उनको लगाने के लिए हो सकता था लेकिन वो काम नहीं करना चाहते थे और चले गए। वो वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया है, बहुत ही घटिया सर्विस है एयरटेल की। और जियो की सर्विस भी अच्छी है, वो भी अच्छे सर्विस करते हैं, और एक्ट फाइबर नेट की सर्विस यहाँ पे अच्छी है। सभी जगह पे जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वालों के जो बंदे काम करते हैं वो सर्विस ठीक से कुछ जगह करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कुछ लोग करना नहीं चाहते बस पैसा लेना चाहते हैं, उनका सैलरी मिल गया बस है ये सोचकर काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से कंपनीज को जो है नाम खराब होता है। तो इस तरह से हर जगह हर कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी ये बता नहीं सकते। यहाँ पे देखो एयरटेल कंपनी, एयरटेल की सर्विस अच्छी नहीं है लेकिन एक्ट फाइबर नेट की अच्छी है, जियो की सर्विस अच्छी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह जियो की सर्विस अच्छी हो, हर जगह एयरटेल की, हर जगह एक्ट फाइबर नेट की सर्विस अच्छी हो, कुछ जगह ख़राब होती है कुछ जगह अच्छी होती है। इसके लिए हमें सतर्क रहकर क्या है, हमें सावधानी के साथ जो है गूगल में सर्च करना पड़ता है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपका जो लोकेशन है वो लोकेशन डाल के आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, जो भी आप इंटरनेट सर्विस लेना चाहते हैं तो उस प्रोवाइडर का नाम, सपोज़ मान लो मैं अभी एक्ट फाइबर नेट लिया तो मैंने सर्च किया तिरुपति एक्ट फाइबर नेट रिव्यू, ठीक है, तो सर्च करने के बाद मुझे रिव्यूज़ मिले, बहुत सारे लोग कह रहे थे घटिया है, और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में मैंने पूछा जो कनेक्शन लिए तो वो बता रहे थे अच्छा है कनेक्शन, बहुत ही अच्छा चलता है और ड्रॉपिंग्स भी नहीं होती, कभी कभार जब वो कुछ वायरिंग्स वगैरह खींचते हैं ना ये एरिया से दूसरे एरिया को, तो उस समय एक आधा घंटा एक घंटे के लिए जो है ये सर्विस रुकती है, उसके अलावा ये सर्विस कभी भी डिले नहीं होती, अच्छी सर्विस है। तो इस तरह से, तो इनका सर्वर भी कभी कभी मेंटेनेंस के तौर डाउन कर दिया जाता है, तो इस लगा के एक हफ्ते के अंदर ही मुझे 15-20 मिनट के लिए सर्वर डाउन मिला, तो उनको कॉल करने पर वो उन्होंने बताया कि सर्वर डाउन चल रहा है और 15-20 मिनट में अप हो जाएगा, तो 15-20 मिनट में वो ऐसे ही अच्छा चलने लगा फिर से। तो इस तरह से सर्विस होनी चाहिए, घटिया सर्विस लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने का पैक जो है हमने ऑलरेडी पैसा बांध दिया है तो इसमें लॉक हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या करना है कभी भी पैसे डालने से पहले किसी भी सर्विस में आपको इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ता है कि सर्विस कैसी है क्या है, बल्कि अगर आसपास में कोई इंटरनेट कनेक्शन लगा के रखा है ऑलरेडी तो उससे जाके कांटेक्ट कीजिए, उससे बात कीजिएगा कैसा है क्या सर्विस, बल्कि पूछिएगा, उसके बाद ही आप कनेक्शन लीजिए।
ऐसा नहीं है फिर कनेक्शन ले लिया जल्दीबाजी में और उसके बाद पछता होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्ट फाइबर नेट की जो है मैंने प्लान्स बता दिया, इंस्टॉलेशन के बारे में बता दिया, सर्विस भी इनकी अच्छी है और 19 सिटीज़ में जो है ये वाइडली नेटवर्क प्रोवाइड करा रहे हैं और भी तेज़ी से जो है ये मेनली रूरल एरियाज़ में भी जो है इनका नेटवर्क सप्लाई करना चाहते हैं, जो कि अभी तक जियो और एयरटेल इतने बड़े नेटवर्क प्रोवाइडर्स हो के भी कर नहीं पा रहे। इनका जो है सेटअप बॉक्स मैंने ऐसे रूरल एरियाज़ में भी देखा है जहाँ पे कोई भी जो है प्रोवाइडर BSNL तक का फाइबर नेट नहीं आता है, वहाँ उस इसी तौर पे भी जो है ये इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये होता है असली पावर, क्योंकि देखिए कभी भी इंटरनेट जो है आप देख सकते हैं रूरल एरियाज़ में छोटे गाँव हैं तो वहाँ पे कभी भी इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं मिलती है, हालांकि ये वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं अभी रूरल एरियाज़ पे फोकस करके वहाँ तक जो है इनकी सर्विस पहुँचा रहे हैं। BSNL इतने सालों से है, मेरे नाना दादा के ज़माने से, फिर भी BSNL ये वर्क नहीं कर पाया। रूरल एरियाज़ में तो BSNL मिलता है, हालांकि टाउन में भी नहीं मिल रहा है। मैंने जाके कनेक्शन के लिए पूछ के आया, अभी तक उनका अता पता कुछ भी नहीं है। तो ऐसी घटिया सर्विस है BSNL की, तो बात ही मत करो, वो एक नेटवर्क प्रोवाइडर ही नहीं है, वो तो घटिया है एकदम। तो अगर आप एक्ट फाइबर नेट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तो बढ़िया है भैया। आप लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, आप सोच समझ कर लेना, फिर ये मत कहना कि आपने जो है वीडियो बनाई रिव्यू दिया हमने ले लिया और उसके बाद पछता रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। कभी भी देखिए सोच समझ कर रिव्यूज देख कर ही आप इंटरनेट सर्विस लेना दोस्तों। अभी मान लो कोई भी सर्विस नहीं है आपके एरिया में, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो अभी लेना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो थोड़ा घटिया हो, थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। नहीं तो कितनी देर तक हम फोन पे ही जो है उसको लगा के इंटरनेट कनेक्शन लगा के USB टटर करके या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू उसको चलाएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, अपने फोन में कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी जो है वर्क फ्रॉम होम ज्यादा चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मीटिंग्स होते हैं, तो इसके लिए ज्यादा इंटरनेट यूसेज जो करते हैं उनको तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। वाईफाई लगा और रीजनेबल प्राइसेस हो गए, पहले तो बहुत ज्यादा प्राइसेस होते थे, अभी तो 500-700 रुपए 1000 रुपए के अंदर काम चल जाता है और अनलिमिटेड डेटा मिलता है, यानी कि 3300 GB का। तो इस तरह से आप सोच समझकर किसी भी प्रोवाइडर के साथ जा सकते हैं दोस्तों, रिव्यूज जरूर देख लेना अगर नेट कनेक्शन लेने से पहले। तो यही था आज के वीडियो में, अगर एक्ट फाइबर नेट के बारे में आप जानना चाहते है कि किस तरह से बुकिंग होती है, तो वीडियो के बाद जो है मैं किस तरह से बुक करते हैं वो वाला ऐड कर दूंगा वीडियो, आपको दिखाऊंगा डेमो के किस तरह से जो है बुकिंग के लिए किस तरह से हम बुक कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, आपको दिखाऊंगा। वीडियो को छोड़ के मत जाना, भी जो है क्लिप आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है हम एक्ट फाइबर नेट को ऑनलाइन के थ्रू बुक करते हैं ताकि वो हमें कॉल कर सके। उनके कंपनी की तरफ से एक कॉल आएगा, वो आपसे पूछेंगे एड्रेस वगैरह बता देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कनेक्शन दे सकते या नहीं है, तो इस तरह से कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बताना चाहता था एक्ट फाइबर नेट के इंस्टॉलेशन प्रोसेस प्लान्स और रिव्यू देना चाहता था, क्योंकि बड़ा ही अच्छा इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हो आप, एक्ट फाइबर नेट बड़ी ही अच्छी सर्विस है इनकी और स्पीड भी बहुत कमाल का है। तो यही था रिव्यू, आई होप कि जो कुछ भी इसमें मैंने बताया आपको हेल्पफुल होगा, और वीडियो को लेकर कोई डाउट है आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर पूछना और मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। तो मैं आपके लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहता हूं, तो हमारे YouTube चैनल टेक फैंटेसी को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट करके ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय। तो दोस्तों अभी जो है हमें अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है एक्ट फाइबर नेट। तो इस तरह से टाइप करने के बाद हमें पहला वाला जो वेबसाइट मिलता है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, एक्ट फाइबर नेट के ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ न्यू कनेक्शन और एग्जिस्टिंग कस्टमर बोल के लिखा हुआ है। तो न्यू कनेक्शन पे हम क्लिक करेंगे लाल वाले बटन पे जो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे होम बोल के लिखा है, ऑफिस बोल के लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, होम वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना, और होम वाले ऑप्शन अगर आपका ऑफिस है ऑफिस पर्पज़ के लिए ले रहे तो ऑफिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, और होम वाले मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और सोसाइटी देना है, और आप अपना करंट लोकेशन देना चाहते हो तो यूज़ करंट लोकेशन पे क्लिक कर देना, और
चेक नाउ पे क्लिक कर देना दोस्तों। तो जैसे हम चेक नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है बुकिंग के प्रोसेस में चल जाता है, और उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर जो है एक कॉल आएगा एक्ट फाइबर नेट की तरफ से, और ये लोग पूछेंगे आपका एड्रेस वगैरह और बता देंगे अगर आपको वहाँ कनेक्शन दे सकते हैं तो वो बंदे को भेजेंगे, अगर नहीं तो वो फ़ोन करके ही आपको बता देंगे कि कनेक्शन नहीं हो पाएगा।